सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है गाइस, क्योंकि आज की वीडियो में अपन माइनक्राफ्ट का सबसे रेयर स्टोन, रेयर मटेरियल कह सकते हैं उसको, वो वाला फाइंड करने जा रहे हैं, एंशिएंट डेब्रिस, जिसका नाम है, जो कि मुझे कल लाइव स्ट्रीम में उसके बारे में पता चला था, और मैंने लाइव स्ट्रीम में उसको थोड़ा सा ढूंढ भी पाया हूं मैं, मुझे कल ही पता चला कि वो किस तरीके का दिखता है। तो आज अपन उसको जाने वाले हैं ढूंढने के लिए, और गाइज मैं लाइव भी करता हूँ रात को, आप लोग लाइव में आके भी गाइज रह सकते हो यार, काफी ज्यादा मजा आता है लाइव स्ट्रीम में मुझे, रात को मैं 10:30 बजे करीब आता हूँ लाइव, तो आप लोग आ सकते हो। और गाइज अपन चलने वाले हैं आज नेदर पोर्टल में, नेदर पोर्टल में ही मिलता है वो, काफी ज्यादा रेयर होता है, डायमंड से भी रेयर होता है वो, क्योंकि डायमंड तो मतलब थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं अपन को 7-8 एक बार में, लेकिन वो ना 1 या 2 ही मिल पाते हैं सिर्फ, और बहुत रेयर होता है वो। तो गाइस चलते हैं अपन गेम के अंदर, और काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार। गाइस अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। गाइस चलते हैं गेम के अंदर। ओके तो आपको दिख रहा होगा यार, ये तो अपना डायमंड का घोड़ा यहाँ पर रखा हुआ ही है, जो कि इस तरीके का कुछ दिखता है। और नेदर पोर्टल के अंदर चलने का ना मेरे को एक चीज और करना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जो मेरा पोर्टल है ना, वो पोर्टल किसी और जगह बना है, लेकिन गाइस मेरे को ना वो पोर्टल किसी और जगह बनाना है, तो मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ से ना ऑक्सीडेंट, और यहाँ पर गाइस आपको दिख रहा होगा यार ये ना पूरी जगह खराब हो गई है, क्योंकि यहीं पे आके वो ना फट गया था, वो कौन होता है जो फटता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, ग्रीन होता है ना वो यहाँ पे आके भी फट गया था, इसलिए सारा कुछ उसने बिगाड़ दिया है। तो अपन को ना ऑक्सीजन लेके जाएंगे इस बार, और स्टील एंड स्टील फ्रेंट भी लेके जाएंगे, तो अपना काम हो जाएगा। मेरे पास ना ऑक्सीजन काफी ज्यादा रखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा मेरे पास ना 37 है, तो 37 अपन पूरे तो लेके आएंगे अपने लिए, शायद ना 15 या 13 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, चलो 13 ले लिया मैंने, और एक वहां पर भी मेरे पास रखा हुआ है उसके अंदर ही। तो मेरे को ना काफी ज्यादा इतनी चीजें मेरे पास हो चुकी है यार, इतनी चीजें मुझे वहां से मिली थी। और एक और चीज यार, उसको ना ढूंढने का ना एक तरीका और है काफी ज्यादा खतरनाक, मुझे कल लाइव स्ट्रीम में इतने बताया था कि आप ना TNT लगा लो, क्योंकि TNT से जो स्टोन है वो तो फूट जाएगा, लेकिन एंशिएंट डेब्रिस ना सिर्फ और सिर्फ डायमंड पिकेक्स से फूट पाता है, और एक डायमंड पिकेक्स है, और वो एंशिएंट डेब्रिस की एक ईट होती है, उससे फूटता है वो, सिर्फ टूट सकता है वो। सो ना अपन एक काम करते हैं, अपन ना रॉकेट बना लेते हैं, रॉकेट बनाने के लिए अपने को और क्या क्या आइटम्स है अपन देख लेते हैं, और उसके बाद ना अपन रॉकेट बना के लेके चले, रॉकेट नहीं सॉरी TNT बनाना है अपने को। ओके अच्छा, अपने को तो यार सैंड की जरूरत है, काफी ज्यादा सैंड, वो भी यार थोड़ी बहुत भी नहीं, तो एक काम करते हैं अपन ना इसको पहले यहीं पर रखते हैं, और अपन ना गाइस सैंड लेके आ जाते हैं, ताकि अपना काम ना हो जाए यार आसानी से, और इन सब सामान को भी अपन रख देते हैं यार, क्योंकि इनकी जरूरत अपनों को नहीं है यार गाइस बिल्कुल भी, और ऑक्सीडेंट को भी यहीं रख देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपन आउट हो जाए और अपना ऑक्सीडेंट भी चला जाए। और उसके लिए सैंड के लिए ना मेरे को एक चीज और लेना पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है शोवेल, क्योंकि शोवेल से ना सैंड जल्दी अपन निकाल सकते हैं यार गाइस। शोवेल ये वाली ले लेता हूँ मैं, स्टोन की ले लेता हूँ 2। ओके 2 शोवेल मेरे हिसाब से ना इनफ रहेगी, और खाने पीने का तो सामान मेरे पास ऑलरेडी हैगा, तो अपन चलते हैं गाइस अब जल्दी से सैंड लेके आते हैं, और सैंड के बाद अपन बना लेंगे सबसे पहले TNT। और गाइस ना मैंने कल वाली एक वीडियो भी डाली थी गाइस, अगर आपको कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है ना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप लोग जाओ वो वीडियो देखो, काफी ज्यादा मस्त वीडियो थी यार वाली जो मैंने कल की बनी थी, उसमें मेरा मेरा फर्स्ट डायमंड का जो आर्मर है ना मेरा, उसको अपग्रेड किया था, उसके अंदर मैंने एंचेंट किया था उसको, तो आप लोग जाके वो जरूर देखना यार, काफी ज्यादा मस्त वीडियो थी। ओके अब अपन चलने वाले हैं सैंड को कलेक्ट करने, तो सैंड को कलेक्ट करने के लिए अपने को ना अपने हॉर्स पर ही जाना पड़ेगा, अपना हॉर्स कहाँ पर है, अपने हॉर्स को देख लेते हैं अपन। ओके मेरा हॉर्स तो यहाँ पर बैठा है भाई। ओके मैं अपने हॉर्स, और ये ना हॉर्स की स्पीड ना भाई, ये ना हॉर्स उल्टा हो जाता है कि अच्छा घास खाता रहता है ये। ओके अब जाके सही हुआ ये। ओके गाइस और ये हॉर्स की स्पीड ना काफी ज्यादा तेज है यार, जो मेरा पहला वाला हॉर्स था ना उससे तो काफी ज्यादा तेज है, मतलब बहुत तेज दौड़ता है ये वाला हॉर्स यार। चलते हैं फिलहाल अपन ना ओशन के करीब, और ओशन के करीब ना बोट पे चल के आसपास ही वहीं पे ना कहीं सैंड ज्यादा होगी, तो अपन लोग ना वहां से सैंड ले लेंगे और फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ओशन के पास मैं इसको बांध भी सकता हूँ, और हॉर्स का मुझे एक डर ही रहता है कि ये ना भाग जाते हैं और फिर ना मिलते नहीं है गाइस, इसलिए मुझे ना इसको बांधना पड़ता है यहीं पर ही बस, अब ये यहाँ से कहीं भी हिलेगा भी नहीं, और अपन चल चलेंगे आराम से लेके आ जाएंगे अपना सैंड। सैंड के लिए अपन ना अपनों को थोड़ा दूर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आसपास ना कहीं पे ऐसा सैंड नहीं है, इस वजह से अपनों को ना यहाँ पे ढूंढना पड़ेगी एक सैंड, कहीं आसपास कोई सा विलेज वगैरह कुछ होगा तो उससे अपनों को ढूंढना पड़ेगी। ओके गाइस तो मुझे ना यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ओके अपन ना सैंड के काफी ज्यादा करीब आ गए, यहाँ पे काफी ज्यादा सैंड है, अपना ना पूरा की पूरा यहाँ से काम आराम से हो जाएगा यार, अपन ना यहाँ से काफी ज्यादा सैंड कलेक्ट करके अपन ना यहाँ से जा सकते हैं फिर। ओके तो मैं यहाँ से काफी ज्यादा सैंड कलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज्यादा इसका काम पड़ता है, लेकिन ना मुझे मिलती नहीं है। ओके गाइस तो ना यहाँ पर पानी भी आ चुका है यार, एक काम करते हैं प्लीज पानी को तो रोक दें अपन कम से कम। ओके
कितने हो गए मेरे पास ना, वैसे काफी ज्यादा हो गए यार, इतने तो मेरे लिए काफी है शायद तक। ओके गाइज, तो यहाँ से अपन चलते हैं फिलहाल अपने कासल की तरफ। सो गाइज, ओके अपन आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर और यहाँ पे अपना हॉर्स भी बंधा हुआ है, लेकिन अपन लोग फिलहाल यहाँ पर उतरते ही सबसे पहले, ओ भाई यहाँ पे ये इंतजार कर रहा है यार अपना बेकार बंदा, जिसको मैं सलटाने वाला हूँ अभी। एक दो चल, ओके, और मैं ना यहीं पर ही सो जाता हूँ अभी फिलहाल। ओके गाइस, तो सुबह हो भी चुकी है और मैं यहाँ पर से उठ भी चुका हूँ फिलहाल। अब अपन चलते हैं ऊपर की तरफ जल्दी से। और ओए भाई साहब, ये क्या है? चल भाई साहब बताओ कुछ कर नहीं रहे तो मारे जा रहा है भाई साहब ये डायमंड का ना। ओए अबे यार, अबे इसको कहते क्या, मैं तो इसका नाम तक भूल गया हरे हरे का यार, नाम ही याद नहीं आ रहा मेरे जहन में, नहीं आ रहा बिल्कुल भी गाइस। ओके वैसे आप लोगों को ना डैमेज अब कम पड़ रहा है यार काफी ज्यादा भाई, इधर चल तू। ओके गाइस, अब अपन चलते हैं अपने कासल की तरफ और वहां पर जाके सबसे पहले बनाते हैं TNT और फिर चलेंगे अपन नेदर पोर्टल में। लेकिन नेदर पोर्टल में कहीं मैं ये ना भूल जाऊं कि मुझे ना ऑक्सीडेंट भी लेके जाना है और साथ में स्टूडेंट फ्लिंट भी, ताकि मैं वहीं पर एक पोर्टल बना लूं जहां पर मैंने एक रूम बना के रखा है। उस रूम के अंदर ही ना मैं एक पोर्टल बनाना चाहता हूं, रूम के अंदर ही, ताकि मैं आऊं जाऊं और कोई भी ना आ जाए उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि मैं वहाँ पर ना एक आयरन वाला गेट भी लगा दूंगा, ताकि उसके अंदर ना और कोई भी नहीं आ सके, सिर्फ मैं जा सकूँ आ सकूँ। ओके फिलहाल ना अपन ये रख देते हैं यहाँ पर, इसको बांध देते हैं सबसे पहले, ताकि ये ना भटके ना कोई इधर उधर ना जाए। ओके गाइस, अब अपन चलते हैं अपने अंदर की तरफ ही, खाना खा लेता हूँ मैं सबसे पहले। और आपको दिख रहा होगा कि मेरे वेस्ट की ना पूरा आर्मर की हेल्थ फुल है गाइस, 100% है। और एक चीज और आपने गौर की होगी कि मुझे ट्राइडेंट पड़ा, लेकिन मेरी जो लैगिंग है ना उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है गाइस, उसका डैमेज कम ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें ना प्रोटेक्शन 4 है, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग लगा हुआ है मेरी लैगिंग में। और मुझे ना यही वाली सारी चीजें लगाना है अपने पूरे आर्मर में, यानी वेस्ट, हेलमेट और शूज वगैरह हर चीज में मुझे यही लगाना है, क्योंकि ये ना सबसे बेस्ट है इसमें। इससे ना अपनों को डैमेज नहीं पड़ता, अगर कोई भी ऐसा लोकल इंसान अपनों को डैमेज है, जैसे ज़ॉम्बी, स्केलेटन है या कोई भी, उससे अपने इससे आर्मर का ना हेल्थ कम नहीं होती। ओके, तो मेरे पास ना अभी 12 TNT बन रहे हैं, मैं इसको बना लेता हूँ। ओके, और कम क्या चीज़ पड़ रही है? ओके, देख लेते हैं क्या चीज़ कम पड़ रही है। अच्छा, अपने पास ना ये नहीं है, इट्स ओके गाइस, 12 भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब 12 में तो अपना काम आराम से ही हो जाएगा यार गाइस। यहाँ पर मैंने खाने का कुछ रखा था, तो खाना अपन ले या ना ले, अच्छा ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर रखने की जगह है। ओके, इसको रख देते हैं यहाँ पर, और बाकी का ना मैं काम करता हूँ, मैंने इसको इसके अंदर कलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ना सैंड मेरे काम में आएगा बाद में, फिर से मैं जब TNT बनाऊंगा तो। और इस तीर को भी रख लेते हैं यहाँ पर। ओके ओके गाइस, तो बाकी की चीज़ ना मैं रख देता हूँ इसके अंदर, जैसे कि ना मेरे पास एक ये भी है, ये मेरे पास ना दो मैं पता नहीं क्या है, नोटिलस शेल, इसका यूज मुझे पता नहीं किस काम में आता है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगती है मुझे, क्योंकि ये ना सिर्फ समुंदर वाला ही देता है अपने को, समुंदर वाला जो ज़ॉम्बी ना सिर्फ वही देता है और कोई भी नहीं देता इसको। ओके, बाकी की चीज तो अपन यहाँ पर रख ही देते हैं, बेकार सी चीजें हैं ये। और एक अपने को स्टील एंड फ्लिंट लेना है, स्टील एंड फ्लिंट शायद अपने पास एक बात तो रखा होना चाहिए यार, स्टील एंड फ्लिंट यार गाइस, स्टील एंड फ्लिंट ना, मैंने एक स्टील एंड फ्लिंट तो कहीं ना कहीं तो रखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, फ्लिंट मेरे पास रखा हुआ है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, इससे ना मैं एक फ्लिंट ले लेता हूँ और स्टील एंड फ्लिंट को मैं बना सकता हूँ। ओके, बना लिया मैंने, एक स्टील एंड फ्लिंट मेरे पास हो गया है, बाकी अपने पास ऑक्सीडेंट भी हो ही चुका है। और इसके बाद एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अपनों को करनी है, और वो है अपना गोल्ड का आर्मर, जो कि अपनों को पहन के जाना है नेदर पोर्टल में। गोल्ड के आर्मर के बिना अपन लोग नहीं जाने वाले हैं यार गाइस, बिल्कुल भी, मैं गलती नहीं करूंगा। और एक स्वॉर्ड भी ले लेता हूँ, और बाकी ये वाली स्वॉर्ड को मैंने ले लेता हूँ, चलो इसको भी अपने ही काम आएगी वहाँ पर। और इसको यहाँ पर रख लेते हैं अपन। और डायमंड का आर्मर ना अपन लोग बिल्कुल भी लेके जाने वाले नहीं है, डायमंड का आर्मर ना मैं यहीं पर ही रख के जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है गाइस, मैं ना निपट भी सकता हूँ वहाँ पर, इस वजह से ना मैं बिल्कुल भी वहाँ का भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि नेदर पोर्टल ना मेरे को सबसे बेकार वाली जगह लगती है, क्योंकि वहां पर जाने से ना इंसान कभी भी निपट जाता है। अभी बीच क्यों है ये? ओके, अब आ रहा है, ठीक है। और इन चीज़ों को मैंने रख दिया यहीं पर ही, और एक इस वूल को भी रख देता हूँ, ये चीज़ें भी यहीं पर पटक देता हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि अपनों को इतना कुछ काम नहीं है इसका, ये भी। और तीर तो अपनों को लेना है, क्योंकि तीर अपने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा काम का है। मेरे पास अभी 58 है ना, मैं थोड़े बहुत तीर और ले लूँगा यार, तो मेरे पास थोड़े ज़्यादा महंगी है। ओके गाइस, अभी अपन ना चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। हे गाइस, ओके, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब अपन चले नेदर पोर्टल में, क्योंकि अपन ना पूरी तरीके से रेडी हो गए। और गाइस, एक गलती और कर रहा हूँ मैं,
कि मुझे ना अपनी पिकेक्स को लेके नहीं जाना है, मैं अपने पिकेक्स को बिल्कुल भी लेके नहीं जाना चाहता वहां पर। और मेरे पास कुल्हाड़ी वगैरह तो सारी चीजें हैं ना यार। ओके मेरे पास ना 3 स्टिक है, काम करता हूँ मैं ना स्टिक भी यहीं से ही ले लेता हूँ। भाई साहब एक गिर गया ना, मेरा पूरा डैमेज वो हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है मेरी। और मैंने एक चीज़ तो आपको दिखाई नहीं यार, मेरे को ना वो मिली थी जो कि आपको एक रूम में भी नजर आई होगी, मैं दिखाता हूँ अभी। ओके यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई है क्या मेरे पास? ओके थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तो रखी हुई है मेरे पास, तो मैं इस लकड़ी से काम करता हूँ, स्टिक बना लेता हूँ थोड़ी बहुत। ओके फिलहाल ना मैं देख लेता हूँ मेरे पास लकड़ियाँ किस तरफ रखी थी यार, इधर ही कहीं ना मैंने लकड़ियाँ कलेक्ट करके रखी थी यार शायद यहाँ पर। भाई साहब कहीं पे लकड़ियाँ रखी ही नहीं है। ओके कोई बात नहीं, तो गाइस अपन ना वैसी कैसी चलते हैं जल्दी से, क्योंकि लकड़ियाँ अपन ना वहाँ से नेदर पोर्टल से भी लकड़ियाँ ले सकते हैं, और वहाँ पे अपनों को लकड़ियाँ तो लेनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर अपनों को काफ़ी मेन चीज़ की ज़रूरत है। अपनों को पोर्टल बनाना है तो वहीं पर ही अपनों को घर भी बनाना पड़ेगा इसके अंदर शायद। वो ये भाई सब इसके अंदर थोड़ी लकड़ियाँ रखी हुई, वो स्टील एंड फ्लिंट भी रखा है भाई इसके अंदर, तो फिर ये वाला ले लेता हूँ ना, डैमेज वाला नया क्यों बिगाड़ूँ मैं। और बस बाकी की चीज़ तो ये ठीक ही है। और इसको जलाते कैसे भाई मेरे को ना ये भी नहीं पता है, अपन इसको यूज़ कैसे करते हैं मुझे ना इतना पता नहीं है इसके बारे में। और मेरा इफिशेंसी 4 का तो मैं यहीं पर ही पढ़ूंगा। अबे ये तो लेके चलना पड़ेगा अपनों को, वरना अपन तोड़ेंगे कैसे। ओके गाइस फिलहाल अपन चलते हैं नेदर पोर्टल में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। मैं नया पोर्टल बनाऊंगा वैसे भी वहाँ पर। अभी तक मेरे पास ना ये वाला एक पोर्टल बना हुआ था, आपको दिख रहा होगा। ओए भाई 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 भाई, भाई, भाई नहीं भाई, कैसे बुझाऊं मैं सांप को। उफ गाइस भाई साहब रिस्क था ये तो खतरनाक वाला, यहीं पे मेरी बैंड बज गई यार। ओ भाई मरते बढ़ते बचाऊ मैं यहीं पर ही निपट जाता, वरना अंदर तो दूर की बात है। और मेरे पास खाना रखा है ना थोड़ा बहुत, ओके थोड़ा खाना तो मैंने खा लिया है। ओके गाइस अब अपन फिलहाल चलते हैं अपने रूम की तरफ जहाँ पर अपना रूम हैगा। और मैं ये वाली स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड नहीं लेना है अपने को ना, तीर हाथ में लेना है, क्योंकि वो जब भी वो बेकार घास आएगा ना उस घास को अपने को मारना पड़ेगा इसी तीर के साथ। और ये एक रास्ता है, ये आपको दिख रहा होगा, मर गया ये। ओके और शायद इधर से मैंने कहीं से रास्ता बनाया था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा किस तरफ से बनाया था, शायद इधर ही कहीं से था, नहीं इधर से नहीं है। ओके मेरे को इससे 2 ये मिल गए, मर गया ये भी। गाइस बहुत ही सही खेल रहा हूँ मैं वैसे अभी तो। ओके मैंने ना रास्ता यहाँ से बना के रखा था। ओके भाई साहब अपन इसको मार दो ना तो मुझे लगता है ज़्यादा आता है। और मैंने गाइस इसमें ना निशानियों के तौर पे ना हर जगह आपको दिख रहे होंगे स्टोन रखे हुए हैं, तो मुझे ना उससे रास्ता पता चलता रहता है कि मुझे किस तरफ जाना है असल में, क्योंकि ऐसे तो मैं भूल जाऊंगा, ये जगह सारी ना एक जैसी है इसलिए ना मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, इसलिए ना मैंने यहाँ पर हर जगह पे स्टोन रख दिया था ताकि मुझे हर चीज़ ध्यान रहे कि मैं किस तरफ से आ रहा हूँ किस तरफ से जा रहा हूँ। तो मैं ना इस तरफ से आया था मुझे जहाँ तक ध्यान है। ओके मुझे ना फिर मैं इसके बाद इस तरफ गया था, और इस तरफ जाने के बाद ना मुझे नीचे जाना है। ओके और इधर से मुझे जाना है इस तरफ, और इसके लिए ना मेरे को बस एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो है गोल्ड। मेरे पास ना अभी इतना ज़्यादा गोल्ड नहीं है, तो मुझे ना गोल्ड का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा यार काफ़ी ज़्यादा। और इस तरफ से मुझे ध्यान है कि मुझे ना इस तरफ आना है। ओके फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे अपन को जाना है अंदर की तरफ। फाइनली गाइस अपन आ चुके हैं सही जगह पर, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ना इस जगह को गाइस पूरा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहीं पर एक पोर्टल बनाना है अपना, क्योंकि पोर्टल से अपनों को तभी तो अपन जा सकेंगे। ओके तो फिलहाल एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले जो काम है मेरा वो मुझे रखना है ये इसके अंदर, और ये भी इसके अंदर, और घास टीयर को भी मैं रख देता हूँ इसके अंदर ही, उसके बाद ये भी। और ऑक्सीजन देख रहे हो आप, अपने पास 14 ऑक्सीजन हो गए क्योंकि 13 में लेके आया था और एक मेरे पास था, और यहाँ पे भी मेरे पास ये रखी हुई है यार। और गाइस 12 TNT भी मैं यहीं पर रख देता हूँ, और ये भी अपन रख देते हैं यहीं पर ही। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास हो गई है यार वैसे, और एक काम करता हूँ मैं इस जगह को तोड़ लेता हूँ सबसे पहले। मेरे पास कुल्हाड़ी रखी है ना मेरी, ओके, और इस जगह को तोड़ के ना मेरे को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना पोर्टल बनाना है यहाँ पर, ताकि मैं ना अपने कासल से कासल में जा सकूँ गाइस। और यहीं पर अब अपन पोर्टल बनाने की तैयारी करते हैं। ओके गाइस ये जगह ना बिल्कुल सही है पोर्टल के हिसाब से, मेरे मुझे जो ऐसा लग रहा है कि पोर्टल ना यहाँ पर बहुत ही सही बैठेगा। ओके तो अपन ना यहाँ पर लगा देते हैं ऑक्सीडियन, अपने पास ऑक्सीडियन तो रखे हैं 14 ऑक्सीडियन तो इनफ है गाइस, 14 ऑक्सीडियन भी बहुत ज़्यादा होते हैं,
लगाने के लिए। और यहाँ पर अपन लगाने वाले हैं ऑब्सीडियन। कितनी बड़ी फ्रेम बनाएंगे अपन, तीन तीन की ना, एक दो चार। वैसे तीन में काम अपना हो तो जाएगा ना नीचे। अबे भाई दो ऑब्सीडियन, ये क्या मजाक है। ओ भाई बच गया हूँ मैं, हाँ वरना अभी ना डर गया था मैं। अभी ग्लिच हो रहा ही है। ओके ओके, तो मेरे ख्याल से ना अपनों को एक दो तीन। ओके अब अपन अपने पोर्टल को करने वाले हैं गाइस चालू, और देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब अपना पोर्टल हो चुका है गाइस चालू, और मुझे पता नहीं है कि ये किस तरफ मुझे लेके जाएगा, लेकिन चालू तो एटलीस्ट ये हो ही गया यार। ओए भाई मेरे को जाना नहीं अभी कहीं भी। ओके यहाँ पर अपन बच चुके हैं, और पोर्टल अपना गाइस ये बन के रेडी हो गया है। अब अपनों को चलना है गाइस नीचे की तरफ, क्योंकि अपन ने यहाँ से कभी भी आ जा सकते हैं। अपन ने इसको अपने घर के आसपास ही कहीं ना कहीं करेंगे, घर के आसपास ही अगर ये बनता है तो भाई सही है, वरना तो अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगा एक। ओके अपने पास बेड है। फिलहाल ना मेरे पास एक आइडिया और है कि मैं ना यहाँ पर एक और चेस्ट बनाई लूँ, क्योंकि जब अपना यहाँ पे इतना काम हो रहा है गाइस, तो अपनों को ना एक चेस्ट तो यहाँ पे बना ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ना अपन काफी ज्यादा स्टोन भी रख सकते हैं। तो अपन ना एक चेस्ट को रख देते हैं यहाँ पर, और मैं इसके अंदर रख देता हूँ गाइस ये वाला स्टोन। रुक जाओ खाना तो नहीं, ये वाला स्टोन रख देता हूँ, एक ऑक्सीजन भी रख देता हूँ, और गाइस बाकी तो चीज़ें की जरूरत मुझे है ऑलरेडी, तो अपन को इसके रखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ना मेरे को जरूरत है एक पिकेक्स की, तो मैं ना पिकेक्स थोड़े ज़्यादा ले लेता हूँ। मैंने ले लिए हैं सारे के सारे पिकेक्स बनाकर, और स्टिक की ज़रूरत है तो स्टिक ले लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत, मतलब सभी बना लेता हूँ। ओके तो अपना काम इतना तो हो गया है, और अपन ना इस गेट को बना बंद कर देते हैं यहाँ पर। बस अपने लिए ना ये गेट हो जाएगा सिर्फ पोर्टल में जाने के लिए और आने के लिए, बाकी का काम तो अपना यहाँ पर हो ही गया है मस्त तरीके से। और उसके बाद अपनों को और कुछ चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है ना यार गाइस। मेरे को ना बड़ा वो लग रहा है कि मैं ना कुछ चीज़ यहाँ पर छोड़ ना दूँ, और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने ना कितने वो कलेक्ट कर लिए हैं वैसे। और एक स्वॉर्ड भी मैं यहीं पर रख देता हूँ, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हाफ स्टिक भी रख देते हैं, बाकी तीर वगैरह जो चीज़ें हैं वो तो है। ओके गाइस तो अब अपन चलने वाले हैं नीचे की तरफ, और मैं TNT ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, क्योंकि TNT तो अपनों को ज़रूरत पड़ने वाली है, और स्टील एंड फ्लिंट ले लेता हूँ। और अपन एक TNT को चलाएंगे ना तो बाकी सब फूट ही जाएंगे वो तो ऑटोमेटिक। और उसके बाद अपने पास टॉर्च वगैरह है, तो टॉर्च यहीं पर पटक देते हैं अपन, इसकी ज़रूरत नहीं है। तीर की अपनों को ज़रूरत नहीं है, और गाइस बस चलते हैं अपन नीचे की तरफ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं उसको एंशेंट डेब्रिस को मैंने आज तक कलेक्ट नहीं किया गाइस, आज तक और मैंने देखा भी उसको कल था फर्स्ट टाइम। फिलहाल अपनों को चलने गए इस तरफ, और अपनों को ना काफ़ी ज़्यादा अंदर से, और मैंने डायमंड पिकेक्स को लिया ना मेरा ओके लेके रखा है, क्योंकि डायमंड पिकेक्स के बगैर ना अपना काम नहीं होने वाला है। और अपने को उस बार राइट मुड़ना है और फिर चलने गए इस तरफ, और बस चलते रहना है। भाई यहाँ पे बंदे क्या कर रहे हैं यार। और फिर अपन को ना शायद इस तरफ ही आना था, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लावा है। अपनों को चलना है फिर इस तरफ, और गाइस अपनों को ना बहुत सीधा सीधा जाना पड़ेगा यार, क्योंकि मैंने ना बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा मशक्कत मेहनत सब की, और तब जाएगा ना मेरे को एंशेंट डिब्रीज मिला है, और बहुत मेहनत लगी गाइस इसमें। तो गाइस चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब यार, और आपको दिख रहा होगा ना मुझे यहाँ पे एंशेंट डिब्रीज का ना ये वाली जगह है, मुझे ना यहाँ पे थोड़ा बहुत मिला था तो आपको दिख रहा होगा। गाइस एक काम करता हूँ, मैं ना TNT को इस तरफ भी लगा देता हूँ यार, क्योंकि इस जगह पर जब मिला है ना तो इस जगह पर ना और भी हो सकता है गाइस, आपको पता ही है जहाँ पर मिलता है ना वहाँ पर और ज़्यादा भी मिल सकता है एंशेंट डिब्रीज अपनों को। तो मुझे ना इस जगह पे मिला था जैसे, फिलहाल ना एक काम करता हूँ मैं ना इसको तो कलेक्ट कर लूँगा गाइस पहले। ओके अपने पास ना एंशेंट डिब्रीज आ भी चुका है गाइस। ओके अभी अपने पास सिर्फ एक ही आया है, अभी मेरे पास वो कहाँ गया। ओके ये रहा, और मेरे पास ना कम से कम यहाँ पे अच्छे ज़्यादा हैं, मैंने ना मतलब यहाँ से ज़्यादा लिए थे, दो हुए और ऐसे अपनों को यहाँ पे एक और मिल गया, तीन तीन तीन। और उसके बाद अपनों को चलना पड़ेगा फिर से सीधे की तरफ ही, क्योंकि इधर ही कहीं ना और भी है, तीन हुए ना, आगे की तरफ है गया शायद थोड़े बहुत, और यहाँ तो नहीं है यार शायद ना, मैंने उधर की साइड में भी एक रास्ता बनाया था शायद वहाँ पर भी हो सकते हैं यार, पता नहीं यहाँ पर तो अपन लोग कहाँ पर जा रहे हैं। ओके यहाँ पर अपन यहाँ आ गए, अपनों को चलना गया फिर से सीधे की तरफ, और यहाँ पर भी मुझे ना काफ़ी ज़्यादा एंशेंट डिब्रीज मिले थे, अभी मेरे पास ना तीन हुए हैं, तो अपन चलते हैं और अंदर और देखते हैं कि अपनों को और मिलेंगे। ओके मुझे यहाँ पर भी मिले थे गाइस, तो यहाँ से भी तोड़ लेते हैं अपन। इसके लिए ना मुझे सोचो गाइस कितनी मेहनत लगी होगी, कितना टाइम लगा होगा इसको तोड़ने के लिए यार। ओके तो अपन आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर भी मुझे थोड़े बहुत मिले थे, आपको दिख रहे होंगे तीन। इससे मुझे पता नहीं कि कितने बनेंगे, क्योंकि इसका ना इसको बनाने का रूल ना थोड़ा सा अलग होता है, ये अपने आम उसकी तरह नहीं बनते हैं,
जैसे कि इसको बनाने के लिए पहले अपनों को ना लावा में पटकना पड़ेगा, और जब बन जाएंगे उसके बाद अपनों को इनमें गोल्डन के इनगट मिलाना पड़ेंगे, और उसके बाद ये थोड़ा बहुत काम करेगा। अभी मेरे पास ना 9 होगा है, और यहाँ पे हो चुका है 1 और 10। मुझे ना इससे पूरा आर्मर बनाना है, मेरा पूरा की पूरा आर्मर। यहाँ पे हो गए 11, और देखते हैं अपन और आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है, अपनों को शायद और मिल जाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। तो अपन चल के देखते हैं गाइस, चलते जा रहे हैं अपन आगे आगे की तरफ, और शायद ना यहाँ पर और भी है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पर और है गाइस। यहाँ पर भाई साहब कितना स्टोन पड़ा हुआ है यहाँ पर, कल का ही यार दिख रहा होगा गाइस आपको, बहुत ज़्यादा स्टोन पड़ा है यहाँ पर। ओके गाइस, तो मैंने ना यहाँ तक के माइंड किया था 24 ब्लॉक्स हो जाएंगे आसानी से। तो अपन ने काम, और फिलहाल तो मैं खाना खा लेता हूँ भाई, मेरे को खाने की जरूरत है। ओके अपन चलते हैं। बस ना यहाँ पर एक दिक्कत और है कि यहाँ पर ना कहीं लावा ना आ जाए यार। ओके पता नहीं है कहाँ तक जा रही है सुरंग, मुझे ये भी नहीं ध्यान है, और आई थिंक इतना तो इनफ होगा। यहाँ पर अपन ना लगा के देख लेते हैं, 12 TNT ना 24 ब्लॉक्स, पता नहीं अपन ने तोड़े भी नहीं आने तोड़े। फिलहाल एक काम करते हैं, यहीं पर अपन ना और तोड़ लेते हैं, थोड़े बहुत और तोड़ लेते हैं, और फिर एक बार लगा के तो देखें, उसके बाद देखते हैं क्या ही होता है गाइस, कितना उखाड़ सकते हैं TNT। 12 TNT में अगर मुझे 2 भी मिल जाते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है, 2 एंशिएंट डेब्रिस, 2 तो खैर मुश्किल है, 12 में तो 2 मिलना, अगर 2 ही से मिलते तो फिर तो इतना रेयर नहीं होता है, लेकिन रेयर है उस हिसाब से तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लगाने वाला हूँ एक यहाँ पर, और एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ, और फिर यहाँ पर, ताकि जब एक फटेगा ना तो उसके धमाके से ना कहीं एक और फूट जाए। एक यहाँ, ओके एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कहीं लावा ना निकल जाए भाई कहीं से। एक यहाँ, ओके एक यहाँ पर, भाई सभी हो गए क्या 12, भाई सभी इतनी जल्दी 12 हो गई है। ओके भाई साहब धमाका होगा खतरनाक वाला, वो क्या आपको दिख रहा होगा भाई साहब, क्या ही फटे यार ये, और ऊपर से लावा गिरने लगा है आपको दिख रहा होगा। और मुझे ना एक एंशिएंट डेब्रिस मिला यहाँ पर यार, एक नहीं 2 मिल गया यार गाइस अपनों को, वाओ काफी ज्यादा मजा आ गया मेरे को ये देखकर। और एक काम करता हूँ मैं ना, अबे अपनों को ज्यादा मिले क्या गाइस, मेरे को ना पहले इस लावा को पिक करना है कि लावा गिरना ना यहाँ पे बंद हुए सबसे पहले, तो क्योंकि ये ना बड़ा काम बिगाड़ देगा वरना मेरा। ओके मैं ऊपर चलता हूँ पहले, और इस जगह को अपन करते हैं पेक। भाई कहाँ से निकल रही है, ओके शायद मेरे को थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, और अब आई थिंक ये बंद हो जाए, पता नहीं है किस तरफ से निकल रहा है भाई लावा, बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं यार इसको, क्योंकि अपनों को ना इसको बंद तो करना है। ओके गाइस फाइनली ना ये लावा बंद हो चुका है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके भाई अपनों को ज्यादा मिले हैं यार, 2-3-4 भाई साहब अपनों को 4-5 मिले हैं, वाह गाइस क्या ही अपना धमाका हुआ यार, ये तो मजा ही आ गया है फिर। और मैं देख लेता हूँ ऊपर भी, शायद ना मुझे लग रहा है कि ऊपर भी ना होगा कुछ तो, सिवाय लावा के बस लावा ना गिर जाए भाई ऊपर से। ऊपर तो फिर इतना कुछ दिख नहीं रहा है, खास चीज नहीं है भाई ऊपर इतनी, सो कोई बात नहीं। लाल अपन, ओए भाई ओके फिलहाल ना गाइस मैं ये ले लेता हूँ पहले एक एंशिएंट डेब्रिस मेरा, और इसके आसपास खोद के तो देखो मैं कुछ हो शायद, वैसे इसके आसपास इसका ऐसा डायमंड वाला काम नहीं होता कि इसके आस, ओ भाई इधर से लावा कहाँ से आ गया यार, अच्छा नीचे से भी सीन था क्या लावा का। ओके मेरे पास 13 हो चुके हैं, और मुझे ना गाइस यहाँ पर भी एक स्टोन ना लगाना पड़ेगा। ओके फाइनली मैंने यहाँ पर का भी लगा दिया है, और भाई नीचे से तो लावा नहीं आ रहा है ना, अब पता चले कि जमीन में से भी लावा निकल रहा हो कहीं ना कहीं से। भाई साहब यहाँ से कहाँ से लावा आ रहा है यार, ओके इस जगह, अच्छा मैंने ना जमीन का लावा भी गाइस पैक कर दिया है पूरा के पूरा,
जहां से ना लावा निकल रहा था। ओके, और अपने पास ना दो एंशिएंट रेवरीज मुझे और दिख रहे हैं, तो 15 टोटल हो जाएंगे। और मैं ना वेट कर रहा हूँ, तो लावा ना बहुत धीरे धीरे यहाँ से निकलता है यार, जमीन में से जा रहा है। देखो आपको दिख रहा होगा कितना धीरे धीरे जा रहा है, और यहाँ तो भाई जा भी नहीं रहा था, बंद कर दिया लेकिन मैंने। ओके, और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ दिख रहा हो। अच्छा, यहाँ पर ना फ्लिंट फ्लिंट भी फूटा था। ओके, और यहाँ से अपन ना गाइस दो और ले लेते हैं ताकि अपना काम बन जाए। भाई साहब ये तरीका ना, ये तो बहुत ही ओपी तरीका है यार इससे माइन करने का। तो ना ये तो इससे बेहतर तरीका कुछ है ही नहीं फिर। इससे मतलब मुझे ना तीन चार मिल गए, मुझे लगा था दो भी मिलना ना मुश्किल है, और मुझे ना गाइस इससे तीन चार मिल गए यार। और ना इस लाइन में ना ज्यादा होंगे फिर जरूर, मुझे लग रहा है कि इस लाइन में ना ज्यादा आएगा इस ऊपर की तरफ ना। और मुझे ना कल एक ने बताया था कि आप ना 15 पे तोड़ो, तो 15 पे ये सही मिलेंगे आपको। ओके, मेरे ख्याल से अब अपनों को चलना चाहिए ऊपर की तरफ, और अपन पता नहीं किस तरफ से ऊपर के से आए थे अपन, शायद अपन ना इसी तरफ से आए थे मुझे जहां तक याद है। ओके गाइस, अपन ना इसी तरफ से आए थे, तो अपन चलते हैं अब यहाँ से अपने कासल की तरफ। और अपने पास 15 हो चुके हैं, अब अपनों को ना सीधा के सीधा चलना है। और मेरे पास एक चीज़ और नहीं है यार जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे को ना, वो अपना वो लेके आना चाहिए था। मुझे पता नहीं क्योंकि ये पोर्टल ना किस जगह पर उतारेगा, मुझे ना वो लेके आना था यार अपना क्या कहते हैं कंपास। और एक तरफ लावा हुआ इधर है। ओके, अपन पहुँचने वाले हैं गाइस अपने ऊपर कासल की तरफ ना। ओ भाई साहब, यहाँ पे दो दो है। ओ भाई, मैं ना बाहर निकल के गाइस पता है डर से कहीं पूरा लकड़ी का कहीं इसमें आग ना लग जाए, क्योंकि ना इसमें ऐसा भी हो जाता है कई बार शायद। वो भी भाई निपटने वाला था मैं भी इसमें ना, कई दफा ऐसा हो जाता है कि इसमें ना आग लग जाती है पूरा लकड़ी का ना, इस वजह से सिर्फ। ओके, फिलहाल ना मैं सारी चीजें यहीं पर रख देता हूँ, और जो कि अपने काफी की नहीं है अभी, और ब्लेड स्टोन भी यहीं पर रख देता हूँ, और इसको भी यहीं पर रख दूंगा अभी के लिए। तो इन सारी चीज़ों को ना मैं अभी यहीं पर रख देता हूँ। पहले ना मैं पोर्टल चेक करके आता हूँ कि मेरा पोर्टल बना कहाँ पर है असल में, क्योंकि अगर ये कहीं ऐसी वैसी जगह बना होगा तो मुझे तो पहले अपना कासल ही ढूंढना पड़ेगा, और कासल ढूंढने में पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। और उसके लिए ना मेरे को स्वॉर्ड भी चाहिए होगी डायमंड की, और मेरा तीर भी मुझे आगे सामने की तरफ ही चाहिए होगा। ओके, और बेड को भी चाहिए होगा सामने, कभी रात हो रही होगी तो क्या ही होगा गाइस। यहीं पे काम करता हूँ। ओए ओ भाई, ओ भाई साहब ये क्या हुआ यार, ओ भाई साहब अपन बेड ऐसे फट जाता है क्या उसमें? भाई ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सामान सारा, मुझे फटाफट दौड़ के भागना पड़ेगा गाइस। हट जा, अब हट जा तू गाइस, जल्दी 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 चलना पड़ेगा अपने को। भाई साहब ये तो बहुत बेकार हुआ है मेरे साथ यार, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बेड फट जाता है क्या? भाई साहब जल्दी, किसने बोला था मेरे को यार मेरी लाइव स्ट्रीम में बेड लगा दो? ओ भाई साहब ये तो बड़ा बेकार सीन हुआ है मेरे साथ यार, इसकी तरफ देख भी नहीं सकते अपन, वरना अपने को यहाँ पे क्लियर देगा। अपने पास कुछ भी नहीं है अभी, अपने को चुपचाप निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओके, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा गाइस। ये तो ना मैंने जिंदगी में भी सोचा था ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, मैं सारी चीजें पार कर कर और मेरे साथ ऐसी हिट होगी यहाँ पर। भाई अगर तुमने कुछ उंगली की है तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं बाद। ओ बे दो दो, एक तो काफी था। ओ भाई साहब हद हो गई ये तो। ओए ओबे ओबे गाइस यार क्या ही हो रहा है ये?
उफ गाइस ये तो बहुत मुश्किल है यार, बैंड बज जाएगी ऐसे तो मेरी, क्या ही करूंगा गाइस, मैं क्या ही कर पाऊंगा ऐसे तो। बड़ा बेकार गंदा सीन हो गया यार मेरे साथ, बड़ा ही बेकार वाला। मेरा डायमंड का भी आर्मर बहुत अच्छा है क्या, मैं ना यहीं पे रख के गया था इसी वजह से, गया था मैं यहीं पे रख के गया था मेरा डायमंड का आर्मर। मेरे को पता है ना गाइस क्योंकि क्या हो जाता है, सीन बड़ा खतरनाक हो जाता है मेरे साथ इसमें। ओबे अच्छा इसमें तो ऑलरेडी कुछ नहीं, मैं डर गया देख कर। भाई खाना वाना कुछ तो दो मुझे, कहीं से तो दो भाई, कुछ खाना ही दे दो यार भाई साहब, इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ होगा। ओके मेरे पास ना 11 खाने की चीज़ है, इस खाने को तो लेके जाना पड़ेगा अपने को, उसके बाद गोल्ड का कुछ सामान होगा तो मुझे ना वो देखना पड़ेगा। ओके अबे भाई क्या कर रहा हूँ मैं यार, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मेरी बैंड बजेगी गाइस, अब बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, बहुत धोखा हुआ है गाइस। भाई एक तो गोल्ड की चीज मिल जाए, चलो एक ही स्वॉर्ड काफी है, निपट लेंगे इससे ही अपन, चलते हैं गाइस। हिट हुई है गाइस, कितना 15 थे मेरे पास, 15 एंशिएंट डेब्रिस थे गाइस, इतना बड़ा धोखा कैसे कोई कर सकता है मेरे साथ। भाइयों मैं भी तुम्हारे साथ, कहीं मुझे मारना मत बस। ओके अच्छा अपनों को ना इस तरफ से चलना है, जल्दी जल्दी चलते हैं, अब तो अपनों को सही सलामत पहुंचना है यार, कुछ भी हो जाए। जल्दी जल्दी चलेंगे, कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। ओके वी आर वेरी क्लोज गाइस, वी आर वेरी क्लोज। ओके 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 भाई ये बेड बेड बेकार बेड क्यों लेके आया मैं तेरे को यहाँ पर, क्यों लगाया मैंने, मेरा दिमाग खराब हुआ था जो मैंने तुझे यहाँ पे लगाया है। भाई गेट वर्ड्स, ओ बे भाई साहब मेरे एंशिएंट डेब्रिस, मेरे एंशिएंट डेब्रिस मिल गए मुझे, मिल गए भाई 15 थे, मिल गए पूरे के पूरे। उफ भाई मेरा यहाँ पे सब सामान था यार, मेरी चेस्ट ठीक है यहाँ पर, भाई मेरा लकड़ी का ना सारा सामान जल भी गया है, लकड़ियाँ मिली क्या मुझे यार कुछ नहीं भाई साहब, लकड़ियाँ तो मिली भी नहीं मुझे। अबे क्या कर रहा है तू, यहाँ क्यों आ गया भाई, माफ कर दे अभी तो यार। ओके अबे लकड़ियां है मेरे पास, ओके मुझे ना एक, मेरे पास ये रखी हुई है क्या यहाँ पर, अच्छा ये है ही नहीं अपने पास। ओके मेरे पास ना मुझे थोड़ी लकड़ियां मिली है तो मैं ना इससे चेस्ट बनाऊंगा सबसे पहले। भाई भाई क्या हो रहा है भाई, टेंशन हो गई है मुझे, टेंशन गाइस। ओके मुझे सबसे पहले एक बनाना पड़ेगा यहाँ पर चेस्ट, उसके बाद देखा जाएगा बाकी का जो भी काम होगा ना। ओके और इस गेट को करा जाएगा गाइस, इस गेट को करा जाएगा। और मेरा तीर कहाँ है, ओबे मेरे भाई, मेरे डायमंड के सामान कहाँ है? भाई मजाक तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, भाई मेरे डायमंड के सामान कहाँ चले गए? नहीं हो सकता ऐसा यार,
यार क्या हुआ यार गाइस अपने साथ ना बड़ा गंदा वाला काम हुआ है गाइस, बड़ा ही गंदा वाला काम। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो, क्या करूं मैं यहां से, पूछूंगा कैसे सही सलामत अपने घर। भाई इधर तो कुछ नहीं आएगा भाई, मेरी डायमंड की स्पॉट भी गायब कर दी और मेरा वो सामान भी ले गया, डायमंड का पिकेक्स भी। बताओ हद कर दी यार हद। थोड़ा वो सामान ना मुझे इस तरफ दिख तो रहा है, क्या पता मेरा डायमंड का मुझे पिकेक्स मिल जाए यहाँ पर कहीं। मेरे डायमंड के पिकेक्स कहाँ है तू? मेरा तीर, मेरा कमांड, वो इफिशिएंसी 4 का है कमांड था मेरे पास। भाई यार बहुत बुरा होने के साथ गाइस अपना कुछ अच्छा हुआ और बुरा ज्यादा हुआ है। ओके कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे अपन, बनाना ही पड़ेगा, बना क्या लेंगे, मजबूरी मजबूरी गाइस मजबूरी रहेगी ना अपने आप तो। चलो गाइस कोई बात नहीं। हाँ गाइस गाइस गाइस, और डायमंड का अपन ने सामान खोते हुए कहीं भी नहीं नजर आ रहा है मुझे। नया बनाऊंगा और पता नहीं इस बार तो बनेगा भी या नहीं बनेगा यार। ब्रो तू मत जाग, यहाँ से दिमाग खराब हो गया मेरा। ओके गाइस कोई बात नहीं, फिर से अपन पोर्टल को करते हैं चालू, देखते हैं कि ये बेकार पोर्टल अपनों को किस जगह ले जाएगा। अगर ये सही जगह ले जाए तो ही बढ़िया है, वरना अगर इसने हर कहीं उतार दिया है अपनों को और मेरा दिमाग सटकेगा फिर। मैंने वो तो ले लिया ना मेरे 15, अच्छा लिए ही नहीं अभी एंशन डेविड। चलो पहले अपन चल रहे हैं तो पहले देखें कहाँ पर ये उतार रहा है अपनों को। अदरवाइज अपन फिर ऊपर से जाएंगे ना। ओ भाई साहब कहाँ पर हूँ मैं, ये -58। तो भाई मेरे घर की लोकेशन क्या थी? ओ तेरी, मुझे तो मेरे घर की लोकेशन भी नहीं पता है भाई। ओ भाई ये तो मेरे घर से बहुत दूर है यार। वे सेड वंस ओ भाई ये कहां पर आ गया मैं इस, अबे कौन सा विलेज है ये? हैं तू तेरा बेड मुझे दे दे, तू भक्का रहा है तू वाला बढ़िया। ओ भाई साहब बहुत सीन बिगड़ा यार अपना इस गेम में बहुत ज्यादा। मुझे फिर से मेरे अच्छा मुझे मेरा पोर्टल नजर आ रहा है। ओके गाइस चलो ये तो शुक्र है कि अपना पोर्टल तो कम से कम अपने साथ है अभी। पोर्टल ने तो अभी तक कुछ बेकार नहीं किया, पोर्टल ने वैसे उतारा भी अपनों को अच्छी जगह पे ही है कि कम से कम आसपास यहाँ पे लोग तो हैं, कासल तो है, कुछ तो है। ओके अपन चल रहे हैं फिलहाल अंदर ही और अपनों को उसी रास्ते से जाना पड़ेगा यार। ओके मुझे या तो ऐसा करना पड़ेगा, मुझे ना कुछ गोल्ड का इंतजाम करना पड़ेगा, या फिर ऐसा नहीं कर सकते कि अपन गोल्ड की अगर स्पॉट ले लो तो ये लोग फिर भी मारते हैं क्या? वे ओ भाई ओ भाई साहब इतनी इतना डैमेज गाइस, ये तो नहीं हो सकता, अपन नहीं जा सकते यहाँ से इतने डैमेज में, तो भाई मेरा निपट ही जाऊंगा, क्या करें यार गाइस क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे ना मेरे कासल में जाना पड़ेगा एक बार, और कासल में जाके ना मेरे को ले आना पड़ेगा सामान। तो मैं काम करता हूँ, ये सारी चीजें मैं पटक देता हूँ यहीं पर ही, एक स्पॉट ले लेता हूँ सिर्फ। चलो गाइस कोई नहीं, अब अपन चलते हैं, अपने पास खाने का थोड़ा सामान तो ले लेते हैं, अपनी हेल्थ तो कम से कम अपन बूस्ट कर लें।
वरना पता चले अपने साथ कुछ भी नहीं होगा। चलो खाना मैंने ले लिया है गाइस, और खाना मैंने ले लिया है, और अब अपन चलने वाले हैं अपने कासल की तरफ फिर से, और वहाँ से ना कुछ गोल्ड का पहन के आने वाले हैं अगर जिंदा बचे तो। ओए भाई गया, बे तेज दौड़ ले, बे तेज दौड़ ले। ओ भाई लो ऊपर एक वो शैतान मिल गया यार। भाई साहब अभी तक मैं इनको इतना चटका रहा था। हल्के में ले लेके जा रहा था मैं इन सबको अभी तक। गया 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 मैं। भाई हो गया काम, कोई फायदा नहीं है गाइस। अपनों को चलना पड़ेगा फिर से कासल की तरफ ही, और कुछ अपनों को ना गोल्ड का पहन के आना पड़ेगा। अब अपन ना पूरी तैयारी से जाएंगे यार अपन ना। ओबे कितने ज़ॉम्बीज हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब गाइस बड़ा ही खतरनाक हिट हुई है यार मेरे साथ। चलते हैं फिलहाल और करते हैं कोशिश गाइस कुछ ना कुछ। अबे तू का मानना है मुझे, इस बार ना अपन फुल तैयारी के साथ जाएंगे गोल्ड लेके, ताकि अपनों को ना कोई भी कुछ भी ना करे। ओके गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं, अब चलते हैं अपन फिर से पोर्टल में, और अब अपनों को कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि अपन ने पहन लिया है गोल्ड का सामान। ओ भाई अब नहीं मार रहे मुझे लोग भाई, इन्होंने देख लिया ना कि हमारा ही बंदा है गोल्ड पहन रखा है इसने, गोल्ड को प्यार करता है भी, इसको भी गोल्ड पसंद है, इसलिए लोग ने मुझे अब जाके छोड़ दिया है। तो अच्छा है ना मैं गया नहीं, वरना मेरा तो काम ही हो जाता। बेटा चले जा चले जा, चले जा मतलब तू मार खाएगा बड़े बंदा वाला। मुझे ना यहाँ से चलो मैं ना सब सामान लेके निकल लेता हूँ, जो भी होगा गाइस अब देखा जाएगा यार, अब क्या डर के रहना इतना बार बार। ओके इतना सामान मेरे लिए काफ़ी है शायद, हिम्मत करके मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। मेरे पास एक स्वॉर्ड है और मेरे पास 15 एंशिएंट डिवीजन है। ओके ओके गाइस मैं ना चुपचाप जा रहा हूँ गाइस, बिल्कुल भी नहीं बात करूँगा मैं, ताकि ये ना मेरी आवाज़ ना सुन लें लोग। ओके ओके गाइस फाइनली मैं यहाँ पर भी चढ़ चुका हूँ, और अब अपन को जाना है इस तरफ। एक स्टोन यहाँ पर है ना अपना अपना एक और अगला स्टोन कहाँ पर है, शायद ऊपर की तरफ ही होगा भाई ना कहीं। अच्छा यहाँ पर ही। ओके और उसके बाद अपनों को चढ़ना है यहाँ से ऊपर की तरफ, फाइनली अपना कम से कम एंशंट डेब्रिस तो आ जाएगा ना अपने पास। ओके गाइस यहाँ पर आ गया है, और ओ भाई ये क्या चीज़ कर रही है यहाँ पर भाई यार, तो हद हो गई यार, एक खतरा खत्म होता है दूसरा आ जाता है यार। वही भाई तुम सबकी बैंड बजा दूंगा अगर मुझे कुछ हुआ है तो। अच्छा भाई अभी दिमाग मत खराब कर मेरा। ओ भाई साहब घुस गया हूँ मैं पोर्टल में, यस फाइनली। फाइनली गाइस अपन लोग पोर्टल में जिंदा आ गए हैं काफी बार मरने के बाद यार, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अब तो, अब जाकर के मेरे साथ ना कुछ हुआ और मैं फिर भी हार ना मानते हुए मेरा सामान लेकर आया हूँ, दो चीज गवा कर जो कि मेरे पास काफी शानदार थी। ओके अपन चलते हैं, पहले आग में इसको रख देते हैं। ओके कहाँ गया भाई एंशंट। ओके तो एंशंट डेब्रिस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बन रहा है अभी, क्या है। ओके गाइस एंशंट डेब्रिस यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ से अब कहीं नहीं जाना है इसको। हाँ सो गाइस इसी के साथ गाइस आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बनाने वाले हैं
अपने नेदरराइट एंशिएंट डेब्रिज के साथ अपन आर्मर बनाएंगे या फिर और क्या बनाएंगे या फिर और भी अपन कुछ आने जाने का अपना इंतजाम करेंगे। सो गाइस वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। एंड गाइस इस वीडियो को भी अगर आप यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।